बलरामपुरवा रूंद के गिदावड़ी में बीफ की मंडी का बड़ा कारोबार। रोज 20 से अधिक गायों की होती है बलि। हाईवे रोड पर बिकने वाली बिरयानी में बीफ, 50 गांव तक होम डिलीवरी। जी विधानसभा के बलरामपुरवा रूंद गांव के गिदावड़ों में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर खुलेआम बीफ की मंडी चलती दिखाई दी, जहां से लगभग 50 गांव तक रोजाना होम डिलीवरी दी जा रही है। रोजाना 20 गाय वहीं पर काट कर बेची जाती है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण लोग मोटरसाइकिलों पर गाय का मांस खरीद कर ले जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि रामगढ़ क्षेत्र के पिपरोली गांव के हाईवे रोड पर खुलेआम बिक रही बिरयानी में गाय का मांस हो सकता है। एक तरफ तो सरकार लंबे लंबे वादे कर रही है, वहीं गोकसी करने वालों की अब खैर नहीं। वहीं पालनहार मंत्री जवाहर सिंह बेडमहर सभा में कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि अब गो तस्कर इलाका छोड़कर भागेंगे। साफ ये भी कहते हैं कि जो गो तस्करी करेगा उसको जेल का रास्ता दिखाई देगा। इस दृश्य को देखकर ये साबित होता है कि सरकार के वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना भयंकर गोकसी का कारोबार चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे बैठी है। ये जगह रामगढ़ विधानसभा के अंतिम गांव बलरामपुर व किशनगढ़ के रूंद के गिदावड़ों के अंतर्गत आता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव बलराम यादव ने इस दृश्य को देखकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कहीं तो सरकार की नाकामी के चलते ये कारोबार खुले में चल रहा है। एक तरफ भाजपा के मंत्री लंबे लंबे दावे कर रहे हैं कि गोकसी करने वालों अब इनका इलाका छोड़कर भागेंगे, लेकिन इतने बड़े कारोबार को चलते हुए साफ जाहिर होता है कि इसमें प्रशासन व भाजपा के नेता भी इन्वॉल्व है। विधानसभा क्षेत्र और किशनगढ़ के बीच में जो गिदावड़ों में गोकसी का मामला है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सरकार आते ही के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो दावे करते थे कि क्रिमिनल शहर छोड़ के भाग जाएंगे, गांव छोड़ करके भाग जाएंगे। जो बीजेपी गाय के नाम पर वोट बटोरती है, राम के नाम पर वोट बटोरती है, बीजेपी के राज में बीजेपी की नाक के नीचे गोकसी चल रही है, खुलेआम मंडी लग रही है, और प्रशासन को पता होते हुए भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकारों को, उन साथियों को और आप लोगों को जो आप लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं। 3 महीने पहले भी मेव समाज ने फैसला लिया था कि गोकसी बंद करी जाए, और वो गोकसी बंद हुई। उसके बाद समाज के दबाव से बंद हुई, लेकिन कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, कहाँ से गाय आती है, कहाँ जाती है, कहाँ वो मांस बिकता है, इन सब की जाँच होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लोग फंसेंगे? इसमें बीजेपी के नेता फंसेंगे। अभी पूर्व मंत्री आए थे कुछ दिन पहले, गृह राज्य मंत्री मैडम साहब, उन्होंने कहा था कि गौ तस्कर गाँव छोड़ करके भाग जाएंगे, क्रिमिनल शहर छोड़ करके भाग जाएंगे। उनकी नाक के नीचे ये जो मीडिया ने खुलासा किया है, उसके बाद क्या कार्रवाई सरकार करती है? बीजेपी जो रामराज की स्थापना करने की, कितने दिनों से चल रहा था ये गोकसी का धंधा? अभी जो बात मेरे सामने आई है, 3 महीने से ये काम चल रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से ये काम चलने लगा। कौन सी जगह का मामला है? ये मिर्जापुर और बिशनपुर के बीच में गिदावड़े हैं, जो टीले पड़े हैं उनके बीच में ये इस यहाँ की घटना है, और प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें। मैंने 10 दिन पहले भी भास्कर में खबर पड़ी थी कि 55 किलो गोमांस एक गाड़ी में बरामद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता। पुलिस अधिकारियों को ये बातें पता है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्रिमिनल को पकड़ने की बजाय मैसेज देने के लिए, एक समाज को बदनाम करने के लिए पुलिस भी कार्रवाई पक्षपात की करती है। सुना है कि भास्कर ने और मीडिया ने उन लोगों के भी नाम दिए हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया, ये देखने की बात है। पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये देखने की बात है। वीडियो में जो फोटो साफ साफ नज़र आ रही है, उनको गिरफ्तार किया या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? ये एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बीजेपी पार्टी, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो इस मुद्दे को भड़काती, आग लगाती, लेकिन आज बीजेपी के राज में गोकसी हो रही है, सरेआम मंडी लग रही है, उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को ज्ञापन दिया हुआ है, फिर ये कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी निंदनीय विषय है।